हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब भी मेरे को मौका मिले तो मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर लेके आता हूँ, जो कि आपके लिए पूरी हेल्पफुल हो। सो गाइस, इस बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ ढूंढ के लेके आया हूँ जो आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देगी और आपको आपके सपने पूरे करने में बहुत मदद करेगी। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, सो मैं अभी बैठा हूँ अपने घर के बाहर। आज मैं शाम को जाऊँगा ड्यूटी पे, तो क्योंकि काफ़ी अभी गर्मी बहुत है। तो आपको जैसे पता ही है कि मेरा काम है डिलीवरी का, मैं वॉल्ट में डिलीवरी का काम करता हूँ। और काम करते हुए मैं बहुत सारी जगहों पे घूमता रहता हूँ, कभी रेस्टोरेंट में, कभी शॉप्स में। तो पूरा माल्टा ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं खुद चेक करता हूँ कि मैं 70% माल्टा रोज़ घूम लेता हूँ। सो घूमते घूमते मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी काम की चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूं, ऐसी चीज़ें मुझे मिलती हैं। तो उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी दोस्त चाहते हैं कि वो माल्टा आना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि यार हमारा पैसा ना कहीं ख़राब हो जाए या हमारा कोई एजेंट कोई हमको बेवकूफ़ ना बना दे। सो उसके लिए दोस्तों, मेरी तरफ से मैं जितनी मदद कर सकता हूँ मैं उतनी मदद आपके लिए करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि गाइस, माल्टा को लेके ना बहुत सारे लोग, इवन माल्टा नहीं बाकी यूरोप कंट्रियों को भी लेके लोग आपको इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं ना, इतना ज़्यादा यूट्यूब में देखता हूँ लोगों को, इतना ज़्यादा आपको बस किसी ना किसी तरह ना बस अपनी बातों में लेके आपसे पैसा निकलवाना चाहते हैं यूट्यूबर्स, उनकी बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं एक बंदा आपको, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन वो थोड़ा ऐसे टाइप का है, ठीक है। तो आप उसको शायद जानते भी होगे और फॉलो भी करते होगे, माल्टा और यूरोप के लिए वो बहुत सारी वीडियो बनाता है बंदा, ठीक है। उस बंदे का क्या काम है, उस बंदे को मैं भी मिला हूँ और मेरा फ्रेंड भी मिला हुआ है। उस बंदे का क्या काम है, वो लोगों को इंटरव्यू लेके उनको बताता है, पहले तो उनको सिखाता है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना है, तो आप पूरी उनको स्पीच बताता है कि आप ऐसे ऐसे मेरे बारे में बात करिए और ऐसे ऐसे मेरे बारे में पूरी प्लस पॉइंट की बातें करना और ये भी बोलना कि मेरे थ्रू भी आप आए हो, ठीक है। जबकि हम जब मिले थे तो हमको भी यही बातें सिखा रहा था। सो उसका काम यही है कि वो लोगों का इंटरव्यू लेके अपनी तरफ इंक्रेज करता है आप सबको, ताकि आप भी उसकी बातों में आएँ और उसको पैसे पेमेंट करें। पैसे पेमेंट क्या करनी है, वो बोलता है कि आप सब मेरे से सीवी बनवाएं, सीवी बनवा के आप उस जितने भी लोगों का इंटरव्यू लेता है उनको यही बोलता है कि ये सब मेरी सीवी के थ्रू ही यहाँ पे पहुँचे हैं आज, और इन लोगों ने इतना ज़्यादा अर्निंग किया है। ये भाई ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। जितनी यहाँ पे आप देख सोचते हो करेंसी ज़्यादा है, उतनी ही महंगाई भी उसी हिसाब से होती है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सोचा जाए तो दुबई और इंडिया से काफ़ी अच्छी अर्निंग बंदा कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब बंदा बोल रहा है कि आप मेरे से सीवी बनवाइए और मैं आपको सीवी बनाने के लिए 10,000 रुपये चार्जेस करूँगा, वाई 10,000 कम अमाउंट नहीं होती है। 10,000 सीवी बनाने के लिए सिर्फ, मैं उसका बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, आप उसको जानते हो, मेरे को भी पता है, इवन कि मैं भी पहले उसको फॉलो करता था। और वो बंदा, आपने ऑलमोस्ट जितनी भी वीडियोस उसकी देखना, वो हमेशा यही बताता है कि ये वाला मेरा सीवी, इस यहाँ से बहुत सारे लोग गए हैं और जो लकी होगा उसको यूरोप फ्री जाने का मौका दिया जाएगा। समझ रहे हो शायद आप मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, सीवी क्या है, सीवी में क्या, अब कोई किसी ने 10th पास की हुई है तो क्या उसकी उसके सीवी में वो ग्रेजुएशन डाल देगा,
या कोई डिग्री डाल देगा या कोई सीवी का ऐसा डिज़ाइन बना देगा जो यहाँ के अंग्रेज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, सिर्फ उसी को वो पता है, आप लोगों को नहीं पता, ऐसा कुछ है यार। सरासर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए। तो दोस्तों सीवी बनाना कोई इतना आसान तो दोस्तों सीवी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। सीवी आप अगर यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने यूरोप पास सीवी बनाना है, आप खुद फ्री में यूरोप पास सीवी गूगल में जाके सर्च करें, वहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरें। डिटेल भर के आप उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी आपका सारी क्वालिफिकेशन सब कुछ है वहाँ पे आप फिल कर दीजिए। वहाँ पे यूरोप पास सीवी बिल्कुल फ्री बनता है, इवन के मैंने खुद अपना यूरोप पास सीवी खुद बनाया था, ठीक है। और सीवी में कोई भी बंदा, कोई किसी को मतलब ये नहीं है कि वो सीवी बंदा बहुत अच्छा बना देगा। सीवी में आपकी ही एक्सपीरियंस डलना है, आपकी ही डिटेल डलनी है, आपके स्किल्स डलने हैं, आपकी सारी नॉलेज वहाँ पे डलेगी, आपकी ही एजुकेशन डलेगी। तो वो बंदा किस बात का 10,000 ले रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करो, यही ट्राई करो कि, और बाद में बोलते हैं कि माँ की दुआ सबके साथ रहे, ऐसा कुछ डायलॉग भी है शायद उसका। सो दोस्तों माँ की दुआ ऐसे नहीं मिलती, जब आप किसी की मदद करते हो तो उससे पैसा लेते हो तो वो उसको मदद नहीं बोला जाता, मदद उसको बोलते हैं जब आप किसी बिना अमाउंट के किसी की मदद करो और ये सोचो भी ना कि मुझे उससे पैसे लेने, उसको बोलते हैं मदद करना। मदद करना, पैसे लेके काम करने को मदद करना नहीं बोलते। तो जितना भी जो भी लोग आपको ये बोलते हैं कि मैं आपसे इतने चार्जेस लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सबसे पहले आप गूगल आपके पास है, सबसे पहले आप वहाँ पे जाके ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको आराम से सीवी मिल जाएगा, आप आराम से अपना सीवी खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यूरोप पास सीवी याद रखना। दूसरी बात, अभी मैं आप बात कर रहा था पहले कि मैं माल्टा ऑलमोस्ट 70% रोज़ घूमता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है डिलीवरी का। मेरा अभी भी गाड़ी आपको दिखा देता हूँ, अभी भी मैं मॉर्निंग में थोड़ा गया था, तो मॉर्निंग में थोड़ा काम करके फिर उसके बाद मैं रेस्ट करने आ गया। सो वो मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है, मैं वोल्ट में काम करता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं लोगों के रेस्टोरेंट्स में या शॉप्स में ऑर्डर लेने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हायरिंग के बारे में लिखा होता है, जी हाँ। तो मैं जब वहाँ पे एक थोड़े दिन पहले एक शॉप में विज़िट किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि वी आर हायर। सो हायरिंग किस चीज़ की थी, उसी उन्हीं की ही शॉप में, जो उनका शॉप कुछ ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं मेरे को लगा, जो नॉर्मली ग्रोसरी की शॉप थी वो। और वहाँ पे सारी चीज़ें जैसे नॉर्मली खाने पीने की होती हैं, ये सब उनका काम था। सो दोस्तों मेरी तरफ से जितनी मदद हो पाती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी उतनी मदद कर सकूँ, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली थी, तो ये वो डिटेल है, यहाँ पे हायरिंग हो रही है, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी लोग चाहते हैं, जिनका सपना है यूरोप में आना, तो वो लोग अपना सपना ज़रूर पूरा कर सकें मेरे थ्रू, ठीक है। मुझे कोई पैसों का लालच नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद करता हूँ। अगर मेरे को कहीं पे भी कोई जॉब मिलती है या मेरे को कहीं पे हायरिंग दिखती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे अपने CV इस मेल में ज़रूर सेंड करें। तो दोस्तों इसको आप, मैंने मैंने वीडियो पोस्ट करके आप अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनकी मेल आईडी डाल दूंगा, आप जल्द से जल्द जाइए और इनको अपनी CV सेंड कीजिए। CV सेंड करने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वगैरह है ग्रोसरी शॉप का या सेलिंग का, तो आप उनको पूरा अपना एक्सपीरियंस उनमें डाल के उनको पूरा अच्छे से CV तैयार करके दीजिए, ठीक है।
और अपना कवर लेटर वगैरह भी बनाएं, ठीक है, और वो सारी डिटेल आप उनको सेंड करें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर रिस्पॉन्स जल्द से जल्द आए। ये ज़्यादा लेट नहीं है, ये सिर्फ 2-3 दिन की पहले ही बात है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो 2-3 दिन पहले ही मैं उस शॉप पे विज़िट किया और ये मैंने खुद की फ़ोटो क्लिक करी हुई है। तो बहुत जल्द अगली वीडियो भी आने लगी है, जो कि सेल्समैन और रिसेप्शनिस्ट लड़कियों के लिए, वो लोग भी अपने यूरोप आने का सपना पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उनके लिए ही बनाऊँगा, ठीक है, और उनकी भी पूरी डिटेल वगैरह मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सके उतना करें, ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो सके, ठीक है। सो दोस्तों, इसको आपने अच्छे से सीवी रेडी करके सेंड करें, ठीक है। और मैंने इनसे बात इवन करी भी थी कि ये जो हायरिंग है सिर्फ लोकल लोगों के लिए है कि इंटरनेशनल लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बेझिझक बोला है कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप कहीं से भी आ सकते हैं और हमको लोगों की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी शॉप है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे आप अपना सपना चाहते हैं कि आप माल्टा में जॉब करना चाहते हैं, तो दोस्तों ज़रूर इसको अपना CV ज़रूर सेंड करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका CV ज़रूर सेंड हो, और बाकी जितने भी लोग मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को भाई आने का खर्चा बताइए, आने का कितना, वैक्सीन का क्या खर्चा वगैरह सारा पूछ रहे थे, तो उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो उन पुरानी वीडियो को भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको भी उतना ही प्यार दीजिए, इस वीडियो को भी जितना हो सके शेयर करें। और बाकी दोस्तों, मैं हमेशा इधर उधर घूमता रहता हूँ और मैं यही देखता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जहाँ से मैं आपकी मदद कर सकूँ, ताकि आप अपने सपने, अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकें और आप भी अपना यूरोप आके अच्छा एक स्टैंडर्ड बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहता था कि जो लोग चाहते हैं सेल्समैन में काम करना और ग्रोसरी में काम करना, वो लोग इसमें अपना CV ज़रूर सेंड करें, और उनको आई होप जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आएगा। और बाकी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो सके। थैंक यू।